नमस्कार नमस्कार। देखते हैं 2020 की प्रमुख घटनाएं, 2020 में क्या क्या हुआ था। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले 30 जनवरी 2020 को भारत में COVID-19 का पहला मामला केरल में देखा गया था। COVID-19 पैंडेमिक की शुरुआत 30 जनवरी 2020 को भारत में हो गई थी। इसके अलावा 22 मार्च को COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 14 घंटे का लॉकडाउन रखा गया था, जिसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया था। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे भारत में 25 मार्च की आधी रात से 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। 5 मई को भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा पर संघर्ष में कई भारतीय और चीनी सैनिक घायल हुए थे। इसमें लगभग 150 सैनिक शामिल थे, जिनमें फेस टू फेस, फिस्ट फाइट्स और पत्थर फेंकना जैसे संघर्ष था। जून 29 को भारत सरकार ने चीन सीमा पर जारी तनाव के कारण टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरिट और यूसी ब्राउजर जैसे 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। 17 जुलाई को COVID-19 के मामलों की संख्या 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। इसके साथ ही 29 जुलाई को भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी थी। 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी और नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर देखी गई, और जिसमें जो बिडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पराजित किया। तो जो बड़े अब अगले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।